हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। यदि आपके हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलती है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में, डिफरेंस के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, डेबिट कार्ड क्या होता है, हमारे अकाउंट से जुड़ा होता है, और क्रेडिट कार्ड भी हमारे अकाउंट से जुड़ा होता है। ठीक है, डेबिट कार्ड में जो हमारे अकाउंट में पैसा पड़ा होता है, यानी कि जो हमारे अकाउंट में जो फंड पड़ा होता है, उसको हम खर्च कर सकते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू। एक प्रकार से डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड एक सोर्स होता है जो कि हमारे अकाउंट से जुड़ करके जो हमारे अकाउंट में फंड या जो हमारे पास कैपिटल है उसको जो है हम यूज़ कर सकते हैं। डेबिट कार्ड की कोई लिमिट नहीं होती, जो भी हमारे अकाउंट में पैसा होता है उसको हम जो है बखूबी तौर से डेबिट कार्ड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। डेबिट कार्ड को हम लोग ATM कार्ड भी बोलते हैं, जिसे कहते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन कार्ड। तो डेबिट ये ATM कार्ड में लग करके या नेट बैंकिंग के द्वारा जो है डेबिट कार्ड को यूज़ करके हम लोग जो है डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं अपने अकाउंट के फंड के अनुसार। अब हम आपको बताते हैं क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड उधार ली गई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड होता है, जो कि हमारे अकाउंट में पैसा पड़ा हो चाहे ना पड़ा हो, वो हमें जो है बैंक या फाइनेंशियल कंपनी जो है प्रोवाइड करती है क्रेडिट कार्ड को। जिस कंपनी का अकाउंट होता है उसी कंपनी का क्रेडिट कार्ड भी उसी अकाउंट पर इशू किया जाता है, जहां पे हाँ इंटरेस्ट के अनुसार पे जो है दिया जाता है। इसकी लिमिट भी होती है, यानी कि क्रेडिट कार्ड की कोई ना कुछ लिमिट होती है, 10,000, 15,000, 20,000, लाखों रुपए तक भी हो सकती है क्रेडिट कार्ड। वो तो लेने वाले पर डिपेंड करता है कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, कि वो कितना चुका सकता है। क्रेडिट कार्ड में बैंक अकाउंट में जो फंड पड़ा है उससे उसको कोई मतलब नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि क्रेडिट कार्ड में जो है कोई ये इशू नहीं आता कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तब भी आप यूज़ नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड में क्या है कि आपको एक प्रकार का लोन सैंक्शन किया जाता है, ये एक प्रकार का लोन का अमाउंट होता है जिसको आप जो है अपनी ज़रूरत अनुसार, नीड अनुसार आप खर्च कर सकते हैं। साथ साथ इसमें रेटिंग पॉइंट्स भी आपको दिए जाते हैं आपके खर्च करने के अनुसार, और आपको जो है विद इन 1 मंथ, 2 मंथ के जो है आपको इसका पैसा जो खर्च किया हो पैसा आपको चुकाना पड़ता है बैंक को। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में। क्रेडिट कार्ड में आपको एक जो है क्रेडिट अमाउंट सेंक्शन किया जाता है कुछ समय के लिए, और डेबिट कार्ड जो आपके अकाउंट में पैसा है उसको आप खर्च कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड जो है में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो क्रेडिट नेचर के होते हैं। इसमें रिस्क ओवर स्पेंडिंग का होता है, मतलब आप जरूरत से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है अगर आप टाइम से पैसा नहीं चुका पाते हैं तो, और ये एडिशनल सोर्स का भी फंड होता है। जबकि डेबिट कार्ड जो इसका ट्रांजेक्शन होता है वो डेबिट नेचर होता है, इसमें रिस्क ओवर स्पेंडिंग का नहीं होता, यानी कि जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतना ही आप खर्च कर सकते हैं। और साथ साथ आपकी इसमें जो है डेबिट कार्ड में फीस जो है ईयरली चार्ज की जाती है, और जो इसका एस्टीमेट जो डेबिट कार्ड का जो एस्टीमेट होता है वो आपके कैश के अनुसार चलता है, यानी कि जो आपके पास अकाउंट में पैसा है उसी को आप जो है खर्च कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है ATM कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच में फ्रेंड्स। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।